हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपवहन वेग, विश्रांति काल व मुक्त पथ पर। ठीक है, मान लेते हमारे पास एक तार है और इसके पास बहुत ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यह तार है, इसके पास बहुत ही ज्यादा में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहां पर बना देता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मेटल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो अपनी जगह क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब कि कंपन करते रहते हैं। अब मैं इस तार को ऊर्जा देता हूं या इस तार को क्या कर देता हूं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर इस तार के अंदर क्या हो जाती है बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये मैंने लगा दी बैटरी, ये अपने पास है की और ये हमारे पास है नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपने पास है बैटरी और ये अपने पास है की। बैटरी की को ऑन करने पर इस फ्री इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। जो इनकी गति होती है वो क्या होती है, यादृच्छिक गति होती है। अब यादृच्छिक गति का मतलब क्या होता है बच्चों, यादृच्छिक गति का मतलब क्या होता है, इनकी जो डायरेक्शन है, गति है, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में गति कर सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा, ऐसे। इनकी दिशा कोई भी कंपल्सरी नहीं है, किसी भी दिशा में ये क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इसलिए इनको या इनकी जो गति है उनको क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्री ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऊर्जा मिली, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करेंगे, तो एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो मैं इसे बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन ये इससे टकराया, मैं एक इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे तो हमारा जो फोकस रहेगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन पर रहेगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, गति कर रहा है और टकरा रहा है, इससे टकराया, फिर ऐसे इससे टकराया, फिर कुछ ऐसे इससे टकराया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहां से क्या है, जो दो टकरों के मध्य है, जो इसकी जो दिशा होगी वो कभी चेंज नहीं होती, ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, टक्कर हुई फिर स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर टक्कर हुई स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधी दिशा में क्या करता रहता है, ये गति करता रहता है। इसलिए इस वेग को क्या बोलते हैं, अपवहन वेग बोलेंगे। दो टक्करों के मध्य इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी। तो सभी टक्करों में दिशा सीधी होने के कारण इस वेग को क्या बोलते हैं, अपवहन वेग बोलते हैं, या इसे हम अपवाह वेग भी कहा या कहते हैं। ठीक है, तो अपवहन वेग और अपवाह वेग एक ही बात। जब दो टक्करों में इसकी जो डायरेक्शन है ये हमें पता चल गया है, बिल्कुल सीधी है, ये हो गया अपवहन वेग। इस अपवहन वेग को रिप्रेजेंट करते हैं हम वी डी से। वी डी का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। D means drift, V means क्या है, velocity, इसको English में drift velocity कहते हैं। दो टकरों के मध्य लगे समय को, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ये गति करके आया, यहाँ टक्कर हुई, इस टक्कर के बाद में यहाँ टक्कर हुई, तो इन दोनों टकरों के मध्य लगे समय को क्या कहा जाता है, विश्रांति काल कहेंगे या श्रांति काल कहेंगे, तो विश्रांति काल या श्रांति काल बोलेंगे। इसको टॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, श्रांति काल को। अब मुक्त पथ क्या है, दो टकरों के मध्य जो विस्थापन होगा या फिर बोल सकते हैं दूरी होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलेंगे। तो दो टकरों के मध्य जो पथ होगा, जो दूरी होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलेंगे। तो ये सारे अपने थ्योरेटिकल चीज थी, अपवहन वेग क्या है, विश्रांति काल क्या है, मुक्त पथ क्या है, और ये यादृच्छिक गति क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति। ठीक है,
दोनों टकरों के मध्य जो स्ट्रेट लाइन होती है टकराने के बाद बिल्कुल सीधा जाता है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा, कुछ ऐसे वेव की फॉर्म में नहीं जाता, इसलिए ऐसे वेग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को क्या बोलेंगे, अपवहन वेग बोलेंगे, जिसे मैं वी डी से रिप्रेजेंट करता हूं या करेंगे। ओके बच्चों, बैटरी वी वोल्टेज की है, ये वी वोल्टेज होने के कारण इस तार में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि जहां विद्युत विभव बनेगा वहां विद्युत क्षेत्र होता ही है, इसलिए हम बोलेंगे F is equal to force, क्या है फॉर्मूला, QV, बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ रखा है, F is equal to QE, ये Q क्या है, आवेश, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस हिसाब से। चलो F is equal to क्या है, क्यों E है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F is equal to EE, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो मैंने E यहां पे लिख दिया। ये कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव के कारण बन रहा है विद्युत क्षेत्र, बैटरी को हटा देंगे विद्युत क्षेत्र जीरो, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए विद्युत विभव के कारण क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है F is equal to, एक फॉर्मूला होता है F is equal to MA, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिक फॉर्मूला F is equal to MA, A क्या है, त्वरण, अब यहाँ पे त्वरण कहाँ काम आ रहा है ये अपने देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करके आया इसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, इसका वेग ज्यादा है, तो ये फुल स्पीड से है, जब टक्कर हुई तो इसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फिर इतने में जो बैटरी है वो ऊर्जा दे देती है, फिर बहुत ज्यादा वेग से आगे जाके इसी दिशा में गति करता है, फिर टक्कर ही, फिर वेग क्या हुआ, कम हो, इसका मतलब जब वेग ज्यादा था टक्कर ही, वेग क्या हो गया है, कम हो गया, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में जब परिवर्तन उत्पन्न होता है तो क्या बनता है, त्वरण बनेगा, सिंपल सा फंडा है। तो हमें पता चल गया ये दो फोर्स के फॉर्मूला है, मैं इनको इक्वल लिख देता हूँ, F is equal to MA, then F is equal to small e या QE, यहां से A का फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो कैपिटल E स्मॉल E अपॉन M, हमें किसका फॉर्मूला बनाना है बच्चों, अपवहन वेग का, तो एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू वेग बटे में क्या होता है, समय, तो मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वेग अपने पास कौन सा है, अपवहन वेग VD, समय कितना है, श्रांति काल, ठीक है, तो स्मॉल e कैपिटल e अपॉन हमारे पास क्या है, स्मॉल m, अब मैं यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं, e अपॉन m इनटू हमारे पास क्या है, टॉर्क, ये फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र और अपवहन वेग के मध्य संबंध, m हमारे पास कांस्टेंट है, e हमारे पास कांस्टेंट है, टॉर्क और e हमारे पास कैपिटल e चाहिए जिससे हम अपवहन वेग ज्ञात कर सकते, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, अब मैं ऐसे रिलेशन बनाना चाहता हूं कि विद्युत विभव और अपवहन वेग के मध्य क्या रिलेशन होगी, तो कुछ इस हिसाब से देखते हैं, V is equal to क्या होता है, फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E is equal to V upon R, तो V क्या होता है, E into R, ये रिलेशन होती है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की, ये रिलेशन होती है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की, V is equal to E into R, तो यहां पर मैं मान लेता हूं इस तार की जो लंबाई है वो कितनी है, L है, तो मैं लिखूंगा V is equal to E into L, E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E is equal to V upon L, तो E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V upon L, तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा E, ठीक है, यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला लगाना है V upon L into M into क्या हो जाएगा, टॉर्क, जितना ज्यादा विद्युत विभव होगा या विभांतर होगा उतना ही ज्यादा अपवहन वेग होगा, PD is directly proportional to क्या हो गया है, V,